welcome back to my channel. I hope you all are enjoying my videos. So comment your views. Comment करके ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरी videos कैसी लग रही हैं. So as you have already seen the thumbnail that today I will discuss how you can get more likes on your Instagram post. Sometimes what happens, we post good pictures but we don't get that much likes on our post. So first of all, we have to identify what is the problem. Today I will discuss all the tips on this video, so don't skip it, watch it till the end. On Instagram, most of the time I post my artworks. At first, पहले के time पे पहले पहले ज़्यादा likes नहीं आते थे. So I was thinking that why I am not getting that much like. I am posting good pictures, good artworks, but still I was not getting good likes. So what happens when we post a particular picture, like I am posting a portrait of actress. So what happens, क्या होता है कि उन लोगों तक maximum time पहुँच ही नहीं पाता जिन लोगों को portraits पसंद हैं, जिन लोगों को artworks पसंद है, इनसे related है. तो क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के पास पहुँचता है who are not interested at all. So आपके likes कहाँ से आएंगे, right? So क्या करना है हमें, we have to reach to the potential viewers who likes this kind of artworks. If you are posting a photo related to your photography, तो उन लोगों तक पहुँचना है जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है, जिन्हें अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें. तो जब तक आप उन लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, आपके पोस्ट उनको नहीं दिखाई देंगे, तब तक लाइक्स कैसे आएंगे. पॉइंट राइट. सो नाउ आई विल टेल यू द टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट यू कैन रीच टूवर्ड्स योर पोटेंशियल व्यूअर्स. और जब उनके पास आपके पोस्ट पहुँचेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ लाइक एंड इवन यू कैन गेट अ फॉलोअर. इस तरीके से जो फॉलोअर्स आपको मिलते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक रहते हैं, क्योंकि वो आपके टैलेंट के बेसिस पे आपके जो पोस्ट हैं उन्हें पसंद करके वो आपके अकाउंट पर आते हैं. तो ऐसे जो मतलब व्यूअर्स होते हैं, ऐसे जो फॉलोअर्स होते हैं, वो जनरली परमानेंट होते हैं और वो उनकी वजह से आपके पोस्ट पर कंटिन्यूस बेसिस पे लाइक आते रहते हैं. नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू दिस. सो इसके लिए आप सबको मेरे फ़ोन पर जाना होगा. सो लेट्स सी. सो दिस इज़ माई फ़ोन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओपनिंग माई इंस्टाग्राम. This is a portrait of actress Rati Pandey. As you can see, there is 255 likes. Neha Kakkar and many more portraits. So this is the portrait of Ansa Shayat. Now it's Hina Khan's portrait. I have recently uploaded this and it has 236 plus 1, 237 likes. In the description, you can see that I have mentioned some people, I have used some hashtags. There are many comments, you can see it. What you have to do, tag some people related to your post so it will reach to them.
as I have posted the Hina Khan's portrait, so I have tagged some people, some fan clubs of Hina Khan. From there, you can see the insights. किस किस के पास, कितने लोगों के पास पहुंचा है आपका पोस्ट. सो आप लोगों को रिलेटेड पीपल को टैग करना है और कुछ हैशटैग्स भी यूज करना है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना अकाउंट पब्लिक करना है. जैसे आप देख सकते हो मेरा आर्टिस्ट है, क्रिएटेड अकाउंट है. फॉर दिस गो टू द सेटिंग्स ऑप्शन, देन चूज अकाउंट. नाउ स्क्रॉल डाउन, स्विच टू पर्सनल. यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हो जाएगा मेरा, मेरा क्रिएटेड अकाउंट है. नाउ स्विच टू बिजनेस अकाउंट, यहाँ से आप बिजनेस अकाउंट भी स्विच कर सकते हो. एंड दिस इज द क्रिएटर अकाउंट, आप यहां से अपना क्रिएटर अकाउंट बना सकते हो. सो इफ यू हैव अ क्रिएटर और अ बिजनेस अकाउंट, यू कैन सी द इनसाइट्स, द रीच, द कंटेंट, इंटरैक्शंस. नाउ आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द हैशटैग्स. फर्स्ट ओपन गूगल, देन सर्च Instagram. Hashtags for sketch. अगर आपको फोटोग्राफी, जो भी आपका पोस्ट है उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो. बहुत सारे हैशटैग्स है, यू कैन चूज एनी वन. जस्ट क्लिक ऑन कॉपी, देन go to your post, edit and paste. Now wait for some time, आपके likes आना शुरू हो जाएंगे. See, you can see that others post पे भी आपके likes आएंगे जो आपके दूसरे पोस्ट है. सो इफ यू लाइक माई वीडियोस, यू आर एंजॉयिंग इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून.